हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज जो हम बात करेंगे दूर के सब्जेक्ट का संकेत वाले जो होते हैं, जो दूर का संकेत होता है सब्जेक्ट में, उसको कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे ये उस लड़के के पास पेन है, तो यहाँ ये संकेत हो रहा है उस लड़के के पास, तो दूर का संकेत करें, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा दैट बॉय। दैट बॉय एक सवचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज लगेगा। हैज वाली क्लास चल रही है, पिछली क्लास जो है आपकी, उससे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हैज़ ए पेन। ही बॉय का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत से बच्चे ही बॉय का प्रयोग कर देते हैं इसमें, जो गलत है, क्योंकि ही अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है और बॉय भी अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही उन लड़कियों के पास कार है, उन लड़कियों के पास, दूर का संकेत कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा लड़कियाँ हैं, इसलिए ज़्यादा एक संकेत के लिए दोस्त का प्रयोग होगा। दैट दोस्त वाली वीडियो आ चुकी है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूर का संकेत है और ज़्यादा लड़कियाँ, तो दोस्त गर्ल्स बहुवचन में हैव लगेगा। दोस्त गर्ल्स हैव ए कार। इस लड़की के पास 100 रुपये है, अब लड़की पास में है, इस लड़की के पास, तो पास का मतलब यहाँ पर दिस से है, पास का संकेत हुआ दिस से। दिस गर्ल हैज़ 100 रुपीज़। शी गर्ल नहीं हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि शी अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है अलग, और ये अपने आप में सब्जेक्ट है पूरा। अब आते हैं पास में ज़्यादा औरतें हैं, इन औरतों के पास साड़ियाँ नहीं है, पास का संकेत है ज़्यादा है, तो लगेगा दीज वुमन। अब बहुवचन है तो लगेगा हैव, नॉट साड़ीज। नॉट का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के बाद, सब्जेक्ट ये बना पूरा भी है, ये सहायक क्रिया आ गई, यहाँ पर नॉट लगाई, बाकी आ गया आएगा। तो इसी तरह से अगर क्या आ गया सेंटेंस में, शुरू में क्या आ गया, तो क्या करेंगे, जो सहायक क्रिया होती है उसको अदला बदली कर देते हैं, इन दोनों को अदला बदली करना, सब्जेक्ट उधर सहायक क्रिया। अब जैसे क्या वाला सेंटेंस है, क्या इस आदमी के पास हथौड़ा है, तो आदमी पास में है, इस आदमी के पास, तो दिस मैन सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हैज़ जो लगता है वो न रख के पीछे रख दिया, हमने इन दोनों को अदला बदली कर दिया, सब्जेक्ट और सहायक क्रिया को। इससे क्या वाला सेंटेंस आपको बन जाएगा, हैज़ दिस मैन ए हैमर। चलिए, एक्सरसाइज तैयार है इसकी, अब बनाएंगे इसे। इस लड़के के पास आम है, इस लड़के के पास फ्रॉक है, उस लड़के के पास साइकिल है, उस लड़के के पास बैग नहीं है, उन आदमियों के पास घर नहीं है, इन लड़कों के पास किताबें नहीं हैं, उन बच्चों के पास खिलौना नहीं है, क्या उस लड़के के पास 10 अमरूद हैं, क्या इस बच्चे के पास टॉफ़ी है, क्या उन लड़कों के पास ट्रक है। अब वीडियो पॉज करके आप भी बना के देखिए, और लास्ट में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं हैज़ का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। जब हम किसी वस्तु में दूसरी वस्तु क्या है ये बताना चाहें, जैसे मोबाइल में स्क्रीन होता है, कंप्यूटर में बैटरी होती है, कार में इंजन होता है, और बल्ब में रोशनी होती है, और पेन में स्याही होती है, इंक होती है, तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु क्या है, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु, जैसे कंप्यूटर में बैटरी होती है, कंप्यूटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसकी बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर एक क्वेश्चन है, इसलिए हैज़ लगाया अपने, कंप्यूटर हैज़ ए बैटरी। उसके अलावा जानवर के अंग बताने हो अगर हमें, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, बिल्ली के दुकान होते हैं, गाय के सींग होते हैं, बंदर की एक पूंछ होती है, हाथी की एक सूंड होती है, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं हम, तो उसमें भी हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय के 2 सींग होते हैं, काव सब्जेक्ट है, काव हैज़ 2 हॉर्न्स, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ लगेगा। बहुवचन यहाँ पर आएगा तो हैव भी लग सकता है इसके अंदर। अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो वही हैज़ के आगे नॉट लगेगा, जैसे लगता रहा, और इंडिकेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट और सहायक क्रिया को अल्टा पल्टी कर देंगे, एक क्वेश्चन वाला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट लगाना पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो वस्तु वाला वक्त क्या, तो वस्तु नाम लिखना या फिर जानवर का अंग वो लिखना है। अभी मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, वो आप करके देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्सरसाइज तैयार है, इसे बनाएंगे आप, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आंसर लास्ट में मिल जाएंगे आपको इसके। जैसे शर्ट में 6 बटन होते हैं, पेन में स्याही होती है, कार में 4 पहिए होते हैं, गधे के सींग नहीं होते हैं, साइकिल में इंजन नहीं होता है, छत में लकड़ी नहीं होती है, कुत्ते की एक पूँछ होती है, हाथी के 2 नकली दांत होते हैं जो बाहर निकले रहते हैं, उसे कहते हैं टस, TUSK। व्रत में कोई कोण नहीं होता है, व्रत का मतलब है सर्कल, कोण का मतलब है एंगल। शहरों में खेती नहीं होती है, अब यहाँ पर देखना है बहुवचन आ रहा है, उसके हिसाब से हैज़ का प्रयोग करना। खेती का मतलब है फार्मिंग। क्या दिल्ली में खेत होते हैं, तो यहाँ पर खेत का मतलब बनेगा खाली फार्म, कह सकते हैं आप। क्या स्कूलों में रसोई होती है, देखिए बना के इसे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम हैज़ का, जब पास्ट बनेगा तो उसका क्या होगा, यानी जब बीते समय की बात में बताएंगे, मेरे पास कार थी, मुझे बुखार था, तो उसका दोनों का हैज़ एफ का दोनों का पास्ट में हेड बन जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में हेड का प्रयोग करेंगे।
या तो जैसे कोई वस्तु हमारे पास थी, मेरे पास कार थी, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे पास गाय थी, बीते समय की बात चले इससे पता लग जाएगा बीते समय की बात है। कोई बीमारी थी आपको, वो हेड से बनेगा। संतान की बात करेंगे, उसके 2 लड़के थे, लड़कियाँ थी, वो सब इससे बनेगा। या किसी वस्तु में दूसरी वस्तु क्या थी जो मैंने अभी बताया आपको, तो इसका ये बनेगा नियम। सब्जेक्ट लगाना है पहले जिसकी बात करेंगे, उसके बाद हेड लगेगा। यहाँ पर एकवचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट है सब में हेड ही लगता है। उसके बाद बचे शब्द आएंगे आगे, ठीक है। जैसे यह मेरे पास कार थी, सब्जेक्ट अपनी बात कर रहा हूँ मैं, आई सब्जेक्ट लगेगा, आई के बाद हेड, ये कार ही बचा। उसके सर में दर्द था, ठीक है। जब मैं और यू दो लोग मिलकर जब तीसरी की बात करते हैं तो ही हो जाता है, वैसे शी भी हो सकता है अगर नहीं दिख रहा। अगर हम देख के बात करें तो वहाँ पर ही शी लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हेड और हेडेक, बीमारी में केवल हेडेक में ही एक का प्रयोग करना, बाकी किसी बीमारी में एक का नहीं करना है। अकबर के 2 लड़के नहीं थे, तो लड़के का मतलब यहाँ पर मैं संतान की बात कर रहा हूँ, इसका सेंस यहाँ बनेगा सन, सन्स होगा। अकबर हैड नॉट 2 सन्स। नॉट का प्रयोग जो करते हैं सहायक क्रिया का आया करते हैं, आ चुका है एक बार, ये सब्जेक्ट लगाना नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया आती है, तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को कर देते हैं आगे और उसके आगे सहायक क्रिया को पीछे ले आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लगता, तो हेड अकबर हो जाता है। ऐसी कार में हेड लगा तो कार को हमने आगे कर दिया, हेड को पीछे कर दिया, हेड कार एसी, क्या कार में एसी था। लीजिए स्टूडेंट्स, ये आप एक्सरसाइज बना के देखिए। आपके पास घोड़ा था, रमेश के पास, रमेश के सर में दर्द था, शीतल के 2 पुत्र थे, हमारे पिताजी को बुखार था, बिल्ली के पास एक चूहा था, हम लोगों के पास कापियाँ नहीं थी, उस लड़के की टांग में दर्द नहीं था, क्या आपके आपको कल बुखार था, क्या राणा प्रताप के 2 लड़के थे, क्या आपकी 3 बहनें थीं। इसे वीडियो पॉज करके बना के देखिए और फिर मैं आपको लास्ट में इसके आंसर दिखाऊंगा इसके भी। लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपके आंसर की है दैट और दिस वाले जो संकेत वाले सब्जेक्ट थे उसे मिला के देख लीजिए। और दैट और दिस का चक्कर आपको समझ में आया तो मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो में, दैट दोस्त का प्रयोग कैसे करते हैं संकेत का, उसमें आप देख सकते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके आंसर की है किसी वस्तु में क्या वाली और जानवर के अंग बताने वाली। पहला है ए शर्ट हैज़ 6 बटन्स, ए पेन हैज़ इंक, ए कार हैज़ 4 व्हील्स, एन आस हैज़ नॉट हॉर्न्स, ए साइकिल हैज़ नॉट इंजन, ए रूफ हैज़ नॉट वुड, ए डॉग हैज़ अ टेल, एन एलिफेंट हैज़ 2 टस्क, ए सर्कल हैज़ नॉट एनी एंगल, सिटीज हैव नॉट फार्मिंग, हैज़ दिल्ली फार्म्स, हैव स्कूल्स किचन्स। लीजिए स्टूडेंट्स, ये आप एक्सरसाइज बना के देखिए। आपके पास घोड़ा था, रमेश के पास, रमेश के सर में दर्द था, शीतल के 2 पुत्र थे, हमारे पिताजी को बुखार था, बिल्ली के पास एक चूहा था, हम लोगों के पास कापियाँ नहीं थीं, उस लड़के की टांग में दर्द नहीं था, क्या आपके आपको कल बुखार था, क्या राणा प्रताप के 2 लड़के थे, क्या आपकी 3 बहनें थीं। इसे वीडियो पॉज करके बना के देखिए और फिर मैं आपको लास्ट में इसके आंसर दिखाऊंगा इसके भी। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके आंसर की है दैट और दिस वाले जो संकेत वाले सब्जेक्ट थे उसे मिला के देख लीजिए। और दैट और दिस का चक्कर आपको समझ में ना आया तो मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो में, दैट दोस्त का प्रयोग कैसे करते हैं संकेत का, उसमें आप देख सकते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके आंसर की है किसी वस्तु में क्या वाली और जानवर के अंग बताने वाली। पहला है ए शर्ट हैज़ 6 बटन्स, ए पेन हैज़ इंक, ए कार हैज़ 4 व्हील्स, एन आस हैज़ नॉट हॉर्न्स, ए साइकिल हैज़ नॉट इंजन, ए रूफ हैज़ नॉट वुड, ए डॉग हैज़ अ टेल, एन एलिफेंट हैज़ 2 टस्क, ए सर्कल हैज़ नॉट एनी एंगल, सिटीज हैव नॉट फार्मिंग, हैज़ दिल्ली फार्म्स, हैव स्कूल्स किचन्स। लीजिए स्टूडेंट, आपके आंसर की है हेड वाले की, पास्ट टेंस वाले की। यू हैड ए हॉर्स, रमेश हैड ए हेडेक, शीतल हैड 2 सन्स, आवर फादर हैड फीवर, कैट हैड ए रैट, वी हैड नॉट नोटबुक्स, दैट बॉय हैड नॉट लेग एक, हैड यू फीवर यस्टरडे, हैड राणा प्रताप 2 सन्स, हैड यू 3 सिस्टर्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपका ये हैज़ अप का कॉन्सेप्ट हो चुका है कम्प्लीट, ये सिंपल सेंटेंस भी बनते हैं। और आपको पूरा समझना है ये टॉपिक तो आप क्लास 5 से देखना शुरू करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास मिल जाएंगी सारे आपको ट्रांसलेशन वाले में। और क्लास 5 से हैज़ अप का चैप्टर शुरू हुआ है, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक ही पूरा क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।